बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, खुश और अल्लाह के अमान में और खूब मज़े में हों और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हों। तो जनाब, आज जो है हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। ठीक है, तो बीफ निहारी बनाने के लिए हमने ये लिया है 1 किलो। हमने जो है हड्डी के बग़ैर बीफ लिया है, और आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो ये हमने हड्डी वाला नहीं लिया, और इसमें हमने नलियाँ वगैरह नहीं डाली, तो थोड़ा बहुत जो चर्बी वगैरह लगी हुई है ये बोटियों के साथ, तो हमने नहीं उतारी। ठीक है, और ये हमने प्याज चॉप करके रखे हुए हैं। 2 हमने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, ये देखिए इस साइज़ के प्याज हैं, और ये 2 लेके हमने इनको चॉप कर लिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा और पाव पत्ता, और ये जो है लहसुन अदरक जो है हमने चॉप करके रखा। आप पीस के भी ले सकते हैं, ये काफ़ी सारा है, 3 टेबल स्पून है ये, और ये हमने जो है चॉप करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है आधी प्याली के करीब दही भी हमने रखी हुई है। इसको हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है ये फुटकियाँ वगैरह ना आए। ठीक है, ये भी हम डालेंगे, और ये जो है मसाले जाएंगे इसमें। इसमें है जी कश्मीरी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, नमक है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है और चाट मसाला है। ये जो है 2-2 टेबल स्पून जो है हमने जो है वो लिए हैं धनिया मिर्चें, और बाकी जो है 1 टीस्पून लिया, और 1 कप जो है ऑयल जाएगा, ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है। और ये वो मसाले हैं जिनको हमने पीस के तो जो है ना इसमें निहारी में डालना है। ठीक है, तो ये काली इलायची है, जायफल है, जावित्री है, बादियान का फूल है, काली मिर्चें हैं, और ये काला ज़ीरा जिसको शाह ज़ीरा भी बोलते हैं, दालचीनी, सूखा धनिया, सौंफ, इन सबको जो है हम पीस लेंगे। ठीक है, अब जो है हमने रख दिया है कुकर ऊपर, और ये हो गया है ऑयल गरम, और ये डाल दिया हमने ज़ीरा और थोड़ा सा जो हमने मसाला रखा था पुलाव पत्ता और दालचीनी। अब ये जो है ज़रा सा कड़कड़ाएंगे, तो हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखी हुई है। तो ये देखें, ये डेढ़ प्याज इसमें, और अब जो है इस प्याज को जो है हम थोड़ी देर जो है वो ब्राउन करेंगे, और ब्राउन करने से पहले इसमें जो है हमने लहसुन अदरक भी जो है वो जो हमने चॉप करके रखा था वो भी डाल देंगे, ताकि वो भी साथ अच्छे से पक जाए। ठीक है, उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये डाल दिया हमने लहसुन अदरक जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, और अब हमने जो है इसको जो है अच्छी तरह से पकाना है, ब्राउन करना है प्याज को। ये देखिए इतना ब्राउन हो गया, अब और ज़्यादा किया तो ये जो है ब्लैक हो जाएगा। तो अब जो है हम इसमें डाल देते हैं मसाले हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया। थोड़ी देर हम इसको हिलाएंगे, और अब साथ ही हम डाल देंगे दही, नहीं तो मसाले जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप, दही डाल दी हमने। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि दही की जो है वो फुटकियाँ सी ना बन जाए, यानी कि वो दानेदार ना हो जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से हमने इसको हिला के अच्छा सा पेस्ट ना लेना है, इसको अच्छी तरह से हमने थोड़ी देर भूनते रहना है, और थोड़ी देर भूनने के बाद जो है हमने इसमें डाल देना है अपना ये जो हमने रखा हुआ है गोश्त। ठीक है, गोश्त हमने इसमें डाल देना है, और इसको भी जो है अच्छी तरह से अब हमने भूनना है। तकरीबन 10-15 मिनट जो है आपने गोश्त को अच्छी तरह से जो है भूनना है, ताकि जो है वो गोश्त का जो अपना स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, इसको हमने भूनते रहना है अच्छी तरह से, और इसका जो पानी है, दही वगैरह जो हमने डाली है, और गोश्त जो अपना पानी छोड़ेगा, उसको जो है अच्छी तरह से हमने पका लेना है। उसका मतलब ये है कि हमने इसको भून लेना है। तो ये देखें, ये भूनते हुए इसको काफ़ी देर हो गई है, 5-10 मिनट जो तो तकरीबन होने वाले हैं। तो ये देखें जनाब, अब जो है हम साथ ही है अपना जो है हमने साबुत मसाले जो हमने रखे हुए थे उनको भी जो है हम पीस लेते हैं, जो कि हमारा निहारी में जाएगा मसाला। तो चलिए हम उसको पीस लेते हैं जो हमने रखे हुए थे। ये देखें, ये सारे मसाले, सौंफ, धनिया, इलायची और काली मिर्च, शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा जो होता है, उस सबको हमने डाल के पीस लिया। ये देखें, इनका अच्छा सा जो हमने पाउडर बना लिया है।
ये देखिए इस तरह से आपने पीस लेना। ये ज़रा ज़्यादा बन गया है तो आप इसमें से जो है 2 टेबल स्पून जो है हमने डाल देना है अपने ये निहारी में। तो 2 अभी डाल देंगे और थोड़ा सा रखेंगे, वो बाद में हम ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो बाकी बच गया है इसको आप डाल लें किसी एयर टाइट जार में डाल के रखें। बड़ा अच्छा मज़ेदार सा मसाला आपका तैयार हो जाएगा किसी और जो है डिश में डालने के लिए, ठीक है। तो अब जो है मसाला अच्छे से भून रहा है, देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भून गया। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 6-7 जो है कप पानी के डाल देंगे, क्योंकि गोश्त ने अच्छी तरह से गलना है तो इसके लिए पानी जो है हमें ज़्यादा डालना है। तो मैंने डाल दी इसमें 7 कप या 7 गिलास पानी आप डाल दीजिए, और इसको बंद कर देना, हमने गलने के लिए रख देना है तकरीबन 40 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये देखें 40 मिनट के बाद मैंने खोला है तो अभी भी इसमें पानी तो है लेकिन जो गोश्त है हमारा वो गल गया, ठीक है। तो ये देखिए आराम से टूट रहा है। तो ये अभी पानी जो है ये इसमें जो है हम अब डालेंगे आटा घोल के। तो आटा तो नहीं मैं डालूँगी, मैं मैदा डालूँगी। अब इसके ऊपर जो तरी है इसको हम उतार लेंगे, क्योंकि जब हम मैदा या आटा डालेंगे उसके बाद जो है इसका ऊपर जो तरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो जो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए फिर हमने निकाल लिया तरी। तो ये देखिए मैंने 1/2 गिलास पानी लिया और उसमें 4 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है। आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा अगर आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा भून के तो डाल सकते हैं, उससे ये कि खुशबू अच्छी आएगी। तो ये जो है देखें अदरक रखी हुई है हमने, और ये मसाला जो थोड़ा सा हमने रखा हुआ था बाद में डालने के लिए, आपने अच्छी तरह से जो है मैदे को मिक्स कर लेना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने अपने सालन में डालना शुरू कर देना, ठीक है। निहारी जो हमने ऊपर रखी हुई है, नीचे जो है हमने फ्लेम आहिस्ता से रखना है, बंद नहीं करना, ये देखिए। तो ये आपने एकदम नहीं डालनी वरना गुठलियाँ बन जाएंगी, आटा जो है वो एकदम से जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको डालना है और फिर देखना है कि आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा गाढ़ा कर लें, लेकिन मैंने जो है ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया तो इसलिए जो है मैं देख के डाल रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा जो है मैदा बच गया था, तो आप भी देख लीजिएगा अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप फिर ज़्यादा मैदा डाल लें, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो है ये सालन या निहारी जो है ये तकरीबन बन गई है। ये देखिए मैदा डालने के बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट जो है हल्की आंच पे पकाना है। इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए ये हमारी निहारी तैयार हो गई है मज़ेदार सी, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये देखिए जनाब हमने निहारी को निकाल लिया है, और जो है इसके ऊपर हमने अदरक जो हमने काटी हुई थी पतली पतली उसको भी डाल दिया है, और धनिया भी डाल दिया है, और जो ऑयल हमने निकाला था अपने निहारी में से पहले वो भी डाल दिया है। अब देखें कितना मज़ेदार सा जो है वो उसका कलर हो गया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल दिया। आप इसको लीमू ऊपर डाल के नान के साथ खाएं। तो जनाब अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझ समेत सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।